झाबुआ जिले के पेटलावत ब्लॉक के अंतर्गत असालिया ग्राम पंचायत के सैकड़ों ग्रामीणों ने आज जन सुनवाई में शिकायत की। हमारे गांव में सीमेंट कंक्रीट रोड का मंजूरी पिछले 3 वर्ष पूर्व हुई थी, फिर भी सरपंच व सचिव ने जोड़ों का निर्माण कार्य नहीं करवाया है और स्वीकृत सीमेंट कंक्रीट रोड की राशि निकाल ली गई है। हमने जनपद सीईओ पेटलावत को 2-3 वर्ष से लगातार अवगत कराया है कि जनपद सीईओ भी आकर हमारी ग्राम पंचायत में नहीं जाता है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि सरपंच सचिव की मिलीभगत से फर्जी पिन लगाकर सीमेंट रोड के बिल निकाल लिए गए हैं। वहीं स्पॉट पर गिट्टी रेत सीमेंट भी नहीं डाली गई है। झकनावदा से मनीष कुमुट की रिपोर्ट। तो मेरे यहाँ ही है, ये वाला भी है और इधर एक ये भी है और तेजा मंदिर से वो भी एक रोड है। बेटा को बोलिए, उनका पैसा निकल गया? पैसा बिल तो लग रहा सर पे, पूरा पैसे निकला, थोड़ा बहुत आधा आधा पैसे निकल गया। कितने साल से पैसा आया था सरकार ने दिया था? 2017 से बिल निकल रहे थे, 2017 से 18 तक से वहाँ से बिल ही लगे हुए। मेरा जवाहर कटारा, क्या हमारी शिकायत ये है कि मतलब रोड 2017 से ये बोल रहे कि मतलब बना देंगे पर आज तक कोई रोड नहीं बना और निकलने में बारिश में इतनी समस्या आती तो कोई मतलब कोई बीमार हो जाए तो उसको ले जाना बहुत मुश्किल हो जाए, वो मतलब घर में ही पड़ा रहे, ऐसी स्थिति है आज की स्थिति में। और आने जाने में मतलब नहीं तो गाड़ी घोड़े जाते कुछ नहीं, मतलब जरा सा भी इधर उधर निकलने, बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं उनको भी समस्या कि वो कहाँ से निकल के जाए। आप क्या चाहते हो? नहीं, हमको तो रोड चाहिए। ने ये लोग मंत्री सरपंच ने बिल लगा लगा के पैसे भी निकाल लिए तो फिर रोड कैसे बनेगा? कितने पैसे निकाले पंचायत ने? इन्होंने मतलब ये सीमेंट वाले के बिल लगा दिए, ट्रैक्टर वाले के बिल लगा दिए, रोड का काम चालू। हाँ, रोड का काम चालू नहीं हुआ।